ये संथाल परगाने की स्पेशल पेंटिंग इसलिए है कि सर वहाँ की जो संथाल ट्राइब है ये हाँ पेंटिंग उन्हीं के ऊपर बनाई जाती है सर। अच्छा जैसे संथाल की उत्पत्ति कैसे हुई है और संथाल की जो कल्चर है, उनकी शादी विवाह, उनकी जीवन शैली क्या है, तो ये पेंटिंग जो है सर अभी विलुप्त हो रही है, तो इसको बचाने के लिए हम लोग इसको फिर से ये इसमें पेंटिंग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं अवेयरनेस। झारखंड का क्या है, कैसी पेंटिंग है ये? हाँ, जादो पेटिया पेंटिंग है, जादो पेटिया पेंटिंग जादव पेटिया, जी सर, जादव पेटिया। झारखंड के किस इलाके से? छदुमका, दुमका इलाके से है सर। दुमका से पूछ। मैं इसलिए इंटरेस्टेड हूँ कि मैं झारखंड में 4-5 साल रहा हूँ, और अच्छा, बोले रांची में और दूरदर्शन में। हाँ ये संथाल परगाने की स्पेशल पेंटिंग इसलिए है कि सर वहाँ की जो संथाल ट्राइब है हाँ ये पेंटिंग उन्हीं के ऊपर बनाई जाती है सर। अच्छा जैसे संथाल की उत्पत्ति कैसे हुई है और संथाल की जो कल्चर है, उनकी शादी विवाह, उनकी जीवन शैली क्या है। जैसे मैंने ये उत्पत्ति वाला बना रखी है, इसमें पिलचू हराम, पिलचू बूढ़ी है, मरांगू जहरेरा है, उनके 7 लड़के 7 लड़कियां हैं, ये पेंटिंग में उनके ऊपर बना रहा हूँ। मन उनका ओरिजिन और हिस्ट्री जी जी वो हिस्ट्री सब। ओरिजिन जो है ये उनके ऊपर बना जाते हैं। इसका संथाल जो समाज है उनकी अंधविश्वास भी है, तो सर उस पे भी ये पेंटिंग बनाई जाती है। आदिवासी समाज में बहुत कुछ अच्छी चीजें हैं, नहीं, अच्छी चीजें हैं सर, जो पेंटिंग की कला है ये कला तीन का। भाग में बनाई जाती है। जैसे कि हम लोग का जैसे डेथ करता है ना सर, तो जादो जादो लोग जो होते हैं, जिनको डेथ करता है तो उनके यहाँ जाके उनको बताया जाता है उनके कर्म के बारे में। वो जादव समाज मतलब जादो एक जाति है सर, कर्मकार होते वो हैं जाति से, वो यादव नहीं ना, यादव नहीं, जादो जादव। जादो जादो एक जाति है, और पट जो पट के ऊपर बनाई जाती है सर, जादो पटिया, इसको बोलते हाँ हैं, इसको बोलते हैं, इस ये सारा पेंटिंग वही है। अच्छा, हाँ जादो पेटिया ही पेंटिंग है सारा। जादव पेटिया जी चित्रकारी, सर, ये वाह। तीन भाग में डिवाइड, वही आपको बताएं, जो संथाल परगना संथाल दुमका परगना का, में हाँ, जो संथाल जातियां हैं, जनजातियों के ऊपर है, उनके जादव ऊपर जाति है। हाँ, जादो जाति है, जादो जाति है, लेकिन पेंटिंग जो बनती है वो संथाल ट्राइब के ऊपर बनती है। संथाल। जी अच्छा सर, तो ये पेंटिंग जो है सर अभी विलुप्त हो रही है, तो इसको बचाने के लिए हम लोग इसको फिर से ये इसमें पेंटिंग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं अवेयरनेस के लिए। कैसे करते हैं पेंटिंग आप? पेंटिंग सर सबसे पहले एक सोचते हैं कि आज अभी क्या बनाना है, इसके पहले हम लोग स्केचिंग करते हैं, स्केचिंग करने के बाद फिर इसको पेंटिंग करते हैं। तो एक्चुअली हम लोग नेचुरल कलर इसमें यूज करते हैं, हाँ, यही मैं जानना चाह रहा हूँ, हाँ नेचुरल कलर है नेचुरल इसका। कलर इसमें यूज करते हैं, लेकिन नेचुरल कलर क्या है कि अभी हम लोग यहाँ तो नहीं लेके आ पाए हैं, इसलिए आपको लेकिन भी वहां अपने पर कह आप लोग लीजिए। नेचुरल कलर से ही हाँ बनाते नेचुरल हैं? कलर से ही बनाते हैं, जैसे पत्ते हो गए, टर्मरिक हो गए, मिट्टी हो गए, पेड़ के छाल हो गए, इसको उबाल उबाल के फिर हम लोग इसको तो वो बनाते हैं। प्रिजर्व कैसे होता है? उड़ता नहीं है वो? नहीं सर, उसके साथ वो जो बबूल का जो गोंद होता है ना सर, अच्छा। गोंद मिला के ताकि उसमें चमक भी बना रहे, और दूसरी बात वो मिटे नहीं, तो इसको हम लोग यूज करते हैं सर। इसे मैंने टी कोस्टर के ऊपर बना रखी है सर, ये जादो पेटिया पेंटिंग। जैसे ये वाला है, ये हंसासिल चिड़िया को मैंने बनाया है, ये अंडा दिए थे इसी में से ही, पिलचू हड़म पिलचू बुड़ी जो हुए थे इसी में से, ये संथाल ट्राइब के पहले जो आदिवासी है, जो हमारे पूर्वज, इन्हीं दोनों को माना जाता है, अच्छा, पिलचू हड़म पिलचू बुड़ी को, क्या नाम बोलते हैं? अच्छा, पिलचू हड़म पिलचू बुड़ी, नाम आप इसमें देख सकते हैं लिखा हुआ है सर, लिखा हुआ है। हाँ ये हाँ पिलचू हड़म पिलचू बुड़ी। आ रहा है कि नहीं? हाँ, पिंचू हाड़ा, पिलचू बुढ़ी, पिंचू बूढ़ी, ये मतलब कि जो हाँ संथाल की जो पहले फर्स्ट संथान फर्स्ट। संतान है, यही दोनों, इसी से ही पूरा संथाल ट्राइब। ये है जादू। जय नृत्य कला दिखाई है मैंने, जादू पिटिया थीम से, संथाल की जो नृत्य कला होती है, जो शादी ब्याह या हम लोग सोहराय पर्व मनाते हैं, सोहराई पर्व जाता है। हाँ उसके ऊपर इस तरह से।
ये सब जादू पिटिया ही है, जादू पेटिया जो उनके पिलचोड़ा पिलचुपड़ी के जो बच्चे थे ये उनका दिखाया गया है, खेल रहे कूद रहे यहाँ उन लोग जब शादी किए तो ये उनका तस्वीर है, शिकार करने का ये नाच गान कर रहे हैं। और ये वाला मैंने बना रखा है सर, ये सिद्धू कानू के ऊपर बनाया। सिद्धू कानू हाँ का। सिद्धू कानू जब दोनों को फांसी दिया गया था तो ये उसका पत्रण किया अच्छा गया है। सिद्धू कानू जो चार भाई थे, सिद्धू कानू, चांद भैरव और फूलो झानू सर। तो सिद्धू कानू को हम लोग जानते हैं, हाँ बाकी उसके जो भाई थे चांद भैरव और यह फूलो और झानू बहन थी। हैं, बहन थी दो बहन। तो इन लोग चारों ने, छह छो ने युद्ध में हिस्सा लिया था जब अच्छा 1855 में युद्ध हुई थी हाँ, बट अंग्रेजों के खिलाफ। ट्राइबल कोई भी पेंटिंग नहीं करता था, बहुत कम, एक दो, जादो हाँ कर्मकार लोग थे। हाँ जादो जो है जान से कर्मकार उसको बोलते हैं लेकिन जादो बोलते हैं। ये लोग संथाल इलाका में रहता तो यही लोग बहुत पहले से करते आया है। तो क्या है कि लोग जब कोई आदमी मरता है तो वहां पे जाके उनके बारे में बनाया बताया जाता है, कैसे मरा, कर्म क्या 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 था, आगे जाके वो नरक में जाएगा स्वर्ग में जाएगा, कोई मरा हो तो कहाँ तक पहुंचा है वो। तो इस चीज को भी जगह करता था और परिवार को संतावना के लिए आके बता देता था, और पेंटिंग के चित्र माध्यम है से, चित्र। पेंटिंग के माध्यम से गाना गा के बताया जाता था। तो एक तरह से ये आप चित्रकला और दर्शन कला दोनों समझ सकते हैं। वाह क्या बात, अध्यात्म दर्शन सब होगा। जी सर, तुम बेटा बोलो कुछ, तुम्हारा, जी सर, तुम भी तो पेंटिंग करती हो ना ये। जी सर, जादो पेटिया पेंटिंग ही करते हैं सर। वो जो जैसे हम लोग का संथाल गाना है ट्राइब्स का, उसी के बेस पे बनता है। ये थ्री टाइप्स में बनता है, जैसे एक हो गया उत्पत्ति, फिर दूसरा हो गया कल्चर, फिर तीसरा हो गया अर्विस। उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब जहां से वो ट्राइबल ओरिजिन हुआ, उर्जित हुआ वहां से उसकी बात। उर्जित हुआ। जी सर, अरे क्या बात है, क्या शब्द प्रयोग किया है तुमने, उर्जित हुआ। जिसको हम लोग बोलते हैं मराम गुरु जाहिर है सर। हम लोग प्राकृतिक पूजा करते हैं, जैसे प्राकृतिक में हो गया पहाड़ हो गया जमीन नेचर हो वर्ष। गया, हाँ अपना पूजा करते हैं सर। और ये वहां से जब जब उत्पत्ति हुआ तो जो मार ये है, जो हम लोग का जो मराम गुरु जाहिर है ना, उन्होंने सोचा कि जब मानव का अगर उत्पत्ति करेंगे कैसे उत्पत्ति होगा, तो उसने दो चिड़िया को पैदा किया, मतलब कि उसने बनाया दो चिड़िया को, उसका नाम है हंस हसीन। और उसमें से दो अंडे निकले और अंडे से दो बच्चे, जिसको हम लोग बोलते हैं पिल्चू हराम पिल्चू बुढ़ी। उसका फोटो भी हम लोग हमने, हाँ बनाया ले है। लिया ले लिया। जी सर, फिर वहां से फिर उन्होंने का पिल्चोड़ा और पिल्चू बुढ़ी का सात बच्चे हुए, जहाँ से हम लोग का जो टाइटल होता है। उर्जित हुए जी तो सर, 7 बच्चे हुए, तो टाइटल कैसे, वो टाइटल वो मिला। सात लड़के और सात लड़की हुए थे। तो हाँ टाइटल देने का क्या है कि जब जो मरांग गुरु से जो छान आए थे तो उन्हों को मना किया गया था कि जो हड़िया पी के आपको गलत काम नहीं करना है। हाँ तो जब उन्होंने गलत काम किया, जब बच्चे हुए तो 5-6 साल तक बारिश ही नहीं हुआ उस समय। तो अच्छा उन्होंने सोचा होगा कि कुछ तो हम लोग गलत किए जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ। तब जब बच्चे हुए तब वो दोनों ने उन लोगों का गोत्र में बांटा गया, जिसको हम लोग परिस बोलते हैं। जैसे हम लोग हेमराम, जिसको सोरेन, हंसदा, टुडू, बास्की, ये सात गोत्र हैं। और बाद में पांच और जोड़े गए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बांटे गए। और प्राकृतिक पूजा का मतलब ये होता है, जब पिलचू हड़म पिलचू बुढ़ी जब आ रहे थे रास्ते से, तो बहुत बड़ा पहाड़ जो है मरंगुर जिसको कहते हैं, वो बीच में आके खड़े हो गए। तब हर तरफ अंधकारमय था। तो वो बोले कि हम लोग रास्ता दीजिए, हम लोग आगे जाना चाहते हैं। जो हम लोग ससंग बेड़ा बोलते हैं, एड़ी के पीछे ससंग बेड़ा की तरफ आ रहे थे। बोले कि हम लोग को जगह दीजिए, हम लोग आगे जाना चाहते हैं, अगर आप रास्ता दीजिएंगे तो आपको जब नया फूल फल के आएगी तब आपकी पूजा करेंगे। तो उस समय ये जो है हम लोग जो बाहा पर्व मनाते हैं उसमें मनाते हैं, और हम लोग लाल मुर्गा जो है उनको प्राकृतिक जो मरांग गुरु है उसके ऊपर हम लोग इसको चढ़ाते हैं सर। तो ये हमारी जो है संथाल समाज की जो कहानी है, ऐसे हम लोग को ये। जी चलो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सर, बहुत धन्यवाद। ठीक है।